तो इसी बस स्टैंड में रुका और यहाँ से मेरे को जो ट्रेन पकड़ के जो है अभी जो जाना है मेरे ये को जो वीडियो मेरा जो है लास्ट वीडियो होने वाला है यहाँ का, क्योंकि मैं जो अभी सिकंदराबाद में आया था, यहाँ पर आया था काम करने के लिए सिकंदराबाद में, और गाइस यहाँ से जो यहाँ का काम जो खत्म हो चुका है तभी मैं जो यहाँ से जो दूसरे जगह जाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी पैकिंग करते सामान वामान डालते उसके पास चलते हैं। और चलिए गाइस आज का मौसम मैं आपसे दिखाता हूँ आज का मौसम कैसा है। यहाँ पर सुबह का जो है 9 बज रहे हैं और 9 बजे यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है धूप निकल चुका है और इधर का एरिया भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हरा भरा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगली इलाके में हम लोग का कंपनी है तो इसी वजह से यहाँ पर जो चारों बगल जंगल मिलेगा आपको। और सामने आपको सामने वाला आपको जो दिख रहा होगा इधर ही हम लोग जो नहाते हैं, मैं नहाने वाला हूँ वो भी मैं आपसे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले फ्रेंड इधर का एरिया देखिए कितना हरा भरा और कितना अच्छा एरिया है। और यहाँ पर आपको जो लाइन बैलेंस जो रूम दिख रहा है तो इधर ही हम लोग का जो रूम है और इधर ही हम लोग के गांव के जो है काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो रहते हैं। और सामने वाला मेरा रूम है जिसपे जो कपड़ा पसारा हुआ है वो जो मेरा रूम है। और का लाइन बैलाइन से जो सारे वर्कर जो है इसी में रहते हैं। और का इधर इधर के एरिया में आपसे थोड़ा रिकॉर्ड करके दिखा दूँ क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार आना नहीं है, तो थोड़ा इधर के एरिया में आपसे दिखा दूँ कि इधर के एरिया किस तरीके से है। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो जिसमें मैं आपको दिखा दिया हूँ, मैं अपना रूम टूर भी करा दिया हूँ, लेकिन फिर मैं जो इधर का एरिया सबसे दिखा दूँ कैसा है उसके बाद फिर हम लोग जो आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो ये देखिएगा इस कितना मस्त व्यू है। और यहाँ पर जो काका जो यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं, सुबह सुबह के टाइम है और सुबह सुबह काका जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो फटाफट से पूजा वूजा कर लेते हैं उसके बाद से हम लोग जो तैयार होंगे और देखते हैं आगे का कार्यक्रम क्या रहता है। और भी तेज तो भाई लोग अभी जो है मेरा जो चप्पल यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ये जो चप्पल जो टूट चुका है, तो इसको क्या करना है कि इसको जो है चिपकाना है, इस फेविकोल से चिपकाना है क्योंकि आसपास कोई भी दुकान नहीं है तो जिससे कि जहाँ पर हम जाकर जो उसको जो सिला सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा चप्पल यहाँ पर टूट चुका है और मैंने पहले भी इसको जो चिपकाया हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए इसको जो पहले भी मैं जो फेविकोल से चिपकाया हूँ इस तरफ का टूटा हुआ था, इसको मैं चिपकाया हूँ क्योंकि यहाँ पर आसपास एक भी दुकान नहीं है तो इसी वजह से फेविकोल से चिपका कर हमको जो काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो सामने वाला जो टूट चुका है इसको क्या करना है, इस फेविकोल से चिपकाना है। मैं जो यहाँ पर इसको चिपका दिया हूँ, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ज़्यादा बात हो गया। अब जो यहाँ पर जो मैं नहा लेता हूँ, जहाँ पर वो जो पानी भर रहे हैं यहाँ पर मैं जो फटाफट से नहा लेता हूँ, उसके बाद से फटाफट से रेडी होते हैं उसके बाद से निकलते हैं। और गाइस अभी हम लोग जो है पूजा करने के लिए जा रहे हैं, अपने कंपनी से होकर जो पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो इधर देखिए काफ़ी हरा भरा एरिया है और सामने ही हम लोग का कंपनी है, तो इधर से हम लोग जो एक मंदिर है छोटा सा उधर ही हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं साथ में, मैं आपसे दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मंदिर कैसे पूजा होता है। दोस्तों वो सामने वाला आपको जो मंदिर दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पूजा करने वाले हैं, मंदिर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है लेकिन हम लोग जो यहीं जो पूजा करने वाले हैं। थोड़ा नज़दीक से मैं आपसे दिखाता हूँ, नज़दीक चल के और दोस्तों अभी जो पूजा का कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जो हम लोग पूजा करते हैं उन पूजा करने के बाद से यहाँ से हम लोग जो निकलेंगे, तो पूजा सबसे पहले कर लेते हैं। और अभी जो यहाँ पर जो टीका लगवा लेते हैं सारे आदमी बारी बारी से, तो अभी जो पूजा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग यहाँ से जो निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जो पूजा वूजा कर लिए उसके बाद से हम लोग जो यहाँ से जा रहे हैं और ये जो मंदिर जो है पूरा जंगली इलाके में है और चारों बगल जो जंगल है और इसी के बीच में जो मंदिर बना हुआ था, तो इधर हम लोग जो पूजा करने के लिए आए थे तो अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का कंपनी है और इधर से हम लोग जो पूजा करके जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो एक शुगर फैक्ट्री है और इधर हम लोग आए थे पूजा वूजा करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, काका जा रहे हैं और जो हरिंदर भाई दो आदमी, हम लोग तीन आदमी आए थे इधर घूम इधर पूजा करने के लिए। तो पूजा वूजा कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों आपको जो दिख रहा होगा ऊपर वाला जो आपको जो पीला वाला जो मशीन दिख रहा होगा ये जो क्रेन है जिससे कि गन्ना उठाकर उसको जो पेरा जाता है, और क्या क्या होता है उतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा लोहा हुआ इधर बिगा हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है और इधर भी आपको जो दिख रहा होगा देखिए बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री का नाम है NSL शुगर फैक्ट्री शुगर मिल। ठंडा पानी पीने के लिए हम लोग रूम में नहीं था तो अभी जो ठंडा पानी पाने के लिए आए, यहाँ से भरते हैं उसके बाद से चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरी छानने का कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो पूरी लेकर जाना है कुछ खाने के लिए रोड में, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पूरी उड़ी छानने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। खाली पूरी नो और गाइस मैं जो रेडी हो चुका हूँ, खाना वाना भी खा लिया हूँ, यहाँ पर मैं जो अपना पैकिंग भी पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। तो गाइस अब मैं जो यहाँ से जो निकल रहा हूँ, और आप जो सोच रहे होंगे कि ये जो कौन सा रूम में जो आकर जो वीडियो को बना रहा है, तो दरअसल बात कुछ ऐसा है कि दोस्तों क्या हुआ कि मैं जो रात के जिस रूम में था, मैं जो अकेला था, तो रात के समय मैं जो दूसरे आदमी के रूम में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है दो आदमी ऑलरेडी रहते हैं पहले से। तो मैं यहाँ पर आ चुका, मैं यहाँ पर आया और उन लोग के साथ ही रात भर रहा, इसी वजह से मैं जो दूसरे रूम में आया हूँ। और मैं अपना रूम तो दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जो अकेला था। तो फ्रेंड मैं जो अपना बैग उठाता हूँ, उसके बाद से यहाँ से चलता हूँ, और थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कॉलोनी किस तरीके से है। और इधर भी तो फ्रेंड इधर भी कटरेन वाला ही रूम है, मैं आपसे दिखाता हूँ, उसके बाद से चलता हूँ। चलिए गाइस बैग को अपने उठाता हूँ। तो अभी मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो रूम आपको दिख रहा होगा, ये जो रूम की चीज़ थी, इसे थोड़ा रूम टूर मैं आपको करा दूँगा कि इस रूम में जो क्या क्या चीज़ है। तो गाइस यहाँ पर जो खाना बनाने वाला है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पर जो खाना वाना बनाने वाला है, दाल चावल सब्जी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, तो इसको मैं खा लिया हूँ। और यहाँ पर जो बर्तन धोने वाला आपको यहाँ पर दिखेगा, बर्तन धोया जाता है, यहाँ पर नहाया जाता है। और एक जो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, ये जो एक कूलर है, जो कि फिर रात के समय ये जो हीट दिन में जो हीट हो जाता है, इसी वजह से इसको जो कूलर रखा जाता है, क्योंकि ये जो रूम को ठंडा करके रखेगा। और ये जो एक गैस दिखेगा, और यहाँ पर जो सोने वाला बिस्तर दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए। तो ये जो बिस्तर आपको दिख रहा होगा, जिस पे मैं जो है रात के समय सोया हुआ था, और जो है यहाँ पर रहने वाले लोग जो है यहाँ पर सोते हैं, क्योंकि ये देखिए जो पटरा को ज्वाइन करके यहाँ पर जो बनाया गया है। और यहाँ पर जो आलू प्याज आपको जो दिख रहा होगा, सब्जी वब्जी रखा हुआ है। और ये जो रूम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरा कटरेन से जो बनाया गया है। और यहाँ पर जो है आपको जो पेंटिंग यहाँ पर मारा गया है, वाइट कलर से यहाँ पर पेंट मारा गया है। कि ये लोग जो हमारे साथ ही जाने वाले, ये लोग भी अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा काम नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी कचरा वाला कंपनी है, तो इसी वजह से ये लोग भी जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही जा रहा हूँ। तो चलो भाई चलते हैं। और ये जो है बस लगा हुआ है, जिसमें जो मटेरियल आता है कंपनी का, यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, वो इधर से ही हम लोग को जाना है। काफ़ी हरा भरा अच्छा एरिया है, लेकिन फिर यहाँ पर जो है काम अच्छा नहीं है, इसी वजह से सारे लोग यहाँ से जो भाग रहे हैं। तो चलिए भाई लोग, तो इधर देखेगा, इधर से मैं आया हूँ, सामने वाला आपको जो दिख रहा होगा, ये जो है NSL कंपनी का गेट है, शुगर फैक्ट्री का गेट है। इधर से मैं आया, आपको जो यहाँ पर नाम दिख रहा हो, नाम शो कर रहा होगा इसका, उधर से मैं आया हूँ। और टेम्पो का अभी जो इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ से टेम्पो जा रहा है मेरे को, जो सामने से टेम्पो इधर से आएगा और इस तरफ जाएगा, तो हम लोग जो जाना है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जो टेम्पो का इंतजार करने थे, टेम्पो आएगा उसके बाद से हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर जो टेम्पो आ चुका है, तो फटाफट से बैठते हैं। तो गाइस अभी जो पूरा जनरल बोगी वाला हाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं जो पूरा दब चुका हूँ, चारों बगल यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पूरा टेम्पो फुल हो चुका है, छोटा सा टेम्पो है, और इसमें 7-8 आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ही देखिए कितना जाम हो चुका है। फाइनली गाइस मैं जो उतर चुका हूँ इस मार्केट में से होते हुए जाना है, मेरे को बस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से जाकर जो है ऑटो पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल ये देखिए मार्केट भाई कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और मेरे को अभी जो जाना है बस पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो मार्केट है, सामने जो बस स्टैंड है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाय भैंस ऐसे ही घूमते रहती है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई इसको बोलने वाला, ऐसे ही गाय भैंस घूमते रहती है यहाँ पर। ये जो बस स्टैंड आपको यहाँ पर दिखेगा, ये जो सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये जो बस स्टैंड है, इधर से मेरे को बस पकड़ना है ना, सिकंदराबाद का बस कितने बजे? ये देखेगा ये जो बस स्टैंड है, देखिए यहाँ लोग जो चढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपसे दिखाता हूँ कि ये जो बस स्टैंड किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए सामने आपको जो दिख रहा होगा, ये जो बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर देखिए सारे पैसेंजर यहाँ पर लाइन बे लाइन से जो बैठे हैं, वो सामने जो टीवी चल रहा है।
तो सामने वाला आपको जो दिख रहा है ये जो बस मेरा है, इसी में मैं जो जाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं गाइस। इधर देखिए लोग भाग रहे हैं, शायद बस आ चुका है। तो दोस्तों मैं जो अभी बस में अपने बैठ चुका हूँ, चलिए मैं आपसे दिखाता हूँ कि जो बस कैसा है और यहाँ पर एरिया कैसा है। तो यहाँ पर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा लाइन बाई लाइन से सारे पैसेंजर यहाँ पर बैठ चुके हैं। और ये जो एसी वाला बस है जो कि बहुत ही अच्छा है, ठंडा भी है इसमें। और अभी हम लोग यहाँ से जो चलते हैं, जैसे मारी लगती है। तो हेलो गाइस, अभी मैं हूँ गांधी बस स्टैंड में और यहाँ से मेरे को जो जाना है सिकंदराबाद। यहाँ से जो कम से कम आधा घंटा लगेगा सिकंदराबाद जाने में। तो फिलहाल ये देखिए कुछ ऐसा है। और गाइस ये जो बस स्टैंड है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर जो बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में भी लग रहा है। तो इसी बस स्टैंड में रुका और यहाँ से मेरे को जो ट्रेन पकड़ के जो है अभी जो जाना है मेरे को जो है सिकंदराबाद सिटी में मेरे को जाना है। तो चलिए गाइस।